दोस्तों आपने फिंगरप्रिंट सेंसर्स को कई बार काम में लिया हुआ, चाहे आधार कार्ड बनाते हुए तो या फिर फोन का वो अनलॉक करते हुए तो आपने फिंगरप्रिंट सेंसर का तो काम में लिया ही होगा। क्या आप जानते हैं कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करते हैं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करते हैं और ये क्या होते हैं, तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। तो अब बात करते हैं आज के ज़माने में फिंगरप्रिंट सेंसर इतने ज़रूरी क्यों हो चुके हैं। अगर मान लो आपको कोई डिवाइस बहुत जल्दी या कम समय में अनलॉक करना है तो आप उसे पासवर्ड से अनलॉक करोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, या फिर पासवर्ड में एक दूसरा सिक्योरिटी रीजन का खतरा हो सकता है, जैसे कि मान लो किसी ने आपको पासवर्ड लगाते हुए देख लिया या फिर आपके पासवर्ड किसी और को पता चल गए तो वो उसे अनलॉक कर सकता है। फिंगरप्रिंट में ऐसा नहीं होता, अगर कोई आपके पास खड़ा है आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो वो उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिंगरप्रिंट आपका है। और जो फिंगरप्रिंट होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। ये फिंगरप्रिंट आपके डीएनए पर डिपेंड करता है, अगर जैसे डीएनए हुआ उसी के हिसाब से फिंगरप्रिंट सभी अलग अलग होते हैं। आपका फिंगरप्रिंट कई मिलियंस में सिर्फ आप अकेले का होता है। फिंगरप्रिंट तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं ARCS टाइप का, ये होते हैं जो फिंगरप्रिंट यहाँ से शुरू होते हैं और सीधे चले जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से शुरू होते हैं और सीधे चले जाते हैं, ये बीच में कहीं पर नहीं रुकते। और दूसरे होते हैं लूप, ये जाते हैं घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं, ये होते हैं लूप टाइप के फिंगरप्रिंट। और दूसरे होते हैं WHROL टाइप के, ये होते हैं जो सिर्फ सर्किल में होते हैं, जैसे कि आप ये इमेज में देख पाए होंगे ये फिंगरप्रिंट सिर्फ सर्किल में होते हैं। ये होते हैं तीन तरह के फिंगरप्रिंट। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर दो तरह के होते हैं, एक कैपेसिटिव एक रेजिस्टिव। जो कैपेसिटिव होता है उसमें आपको ज़्यादा जोर से प्रेस करना होता है इस फिंगरप्रिंट के, क्योंकि जो कैपेसिटिव होता है उसके अंदर आप प्रेस करेंगे उसी के हिसाब से अपना फिंगर प्रेस करेंगे उसी के हिसाब से वो डिवाइस को अनलॉक करता है। मान लो आपके पास ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके पीछे जितने आपको फिंगरप्रिंट में ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ये उभरा हुआ पार्ट और ये अंदर गया हुआ पार्ट, ये पार्ट होते हैं इन्हीं के, इनसे बहुत 10 गुना छोटे उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही आप अपनी फिंगर उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो जहाँ जहाँ आप ये फिंगरप्रिंट उभरे हुए पार्ट है ये पार्ट वहाँ के एक्टिव हो जाते हैं, जिस कारण उसे इंफॉर्मेशन जाती है कि ये पार्ट एक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट है। और जो रजिस्ट्री होता है वो आपकी वहाँ से तस्वीर लेता है आपके फिंगरप्रिंट की, जैसे आप उसके अंदर फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उसके नीचे कैमरा लगाता है, वो कैमरा आपकी फिंगरप्रिंट की तस्वीर लेता है और डिवाइस को अनलॉक करता है। तो अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट में इतना यूनिक क्यों होते हैं, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो कैपेसिटी और रजिस्ट्री में दो तरह से मदद करते हैं। जब आप फिंगरप्रिंट से अपने डिवाइस को रजिस्टर करते हैं अपनी फिंगरप्रिंट से, तो वो आपकी फिंगरप्रिंट, आप चाहे फिंगरप्रिंट यहाँ से लगाओ यहाँ से लगाओ, आपको चारों तरह से फिंगरप्रिंट लगाने होते हैं। जैसे ही आप साइड से फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो वो आपकी पूरे का मैप बनाता है, एक पूरा चौकोर मैप बनाता है, उसके हिसाब से वो उसमें आपकी फिंगरप्रिंट की इंफॉर्मेशन रखता है कि जो ये लाइन है ये यहाँ से चली, आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गई, फिर आगे जाके एक में हो गई, ये वो इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेते हैं। फिर जब अगली बार आप फिंगरप्रिंट से डिवाइस को अनलॉक करते हैं तो वो उन्हीं को जो सबसे अलग है उन्हें मैच करता है कि वो आपके फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर वो उसके साथ मैच होते हैं तो वो आपको डिवाइस को अनलॉक कर देता है, अगर वो उससे मैच नहीं हो पाते तो आपको डिवाइस को अनलॉक नहीं करता। इसकी में आपको सिक्योरिटी लेवल भी होता है, जैसे कि मान लो आपका सिक्योरिटी लेवल है 90%, अगर सिक्योरिटी लेवल 90% से नीचे हुआ तो वो आपका इतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर सिक्योरिटी लेवल 90% से नीचे हुआ तो कोई भी इंसान आपका फिंगरप्रिंट अपने फिंगरप्रिंट से आपका डिवाइस अनलॉक कर सकता है, क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो काफ़ी कम है। मगर सिक्योरिटी लेवल 90 से ऊपर है, इसका मतलब सिर्फ आप ही का फिंगरप्रिंट है जो उस डिवाइस को अनलॉक करता है, किसी और का फिंगरप्रिंट उसे अनलॉक नहीं कर सकता। और साथ ही साथ अगर फिंगरप्रिंट का जो सिक्योरिटी लेवल अगर 95 से ऊपर चला जाए तो आपको बार बार अपना फिंगरप्रिंट लगाना होगा, क्योंकि आपका डिवाइस आपको बोलेगा कि आपका फिंगरप्रिंट गलत है या फिर उसे दोबारा लगाइए। इसलिए सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा फिंगरप्रिंट सेंसर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।